हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अपना चैनल दी हेल्थी रिव्यूज़ में। गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कैसे करा जाए, क्या क्या चीज़ें हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए। हमें बहुत लोग इन कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं गाइस, जो कि एक हार्ट अटैक का कारण भी बन जाती है जब ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जिनकी हेल्प से आप जिन्हें चीज़ों को आपको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करने के बाद कोलेस्ट्रॉल पर कंट्रोल करने के लिए हेल्प मिलेगी। गाइस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। गाइस, बने रहें मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो गाइज, आज के टाइम में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हार्ट जिसकी वजह से हार्ट अटैक का भी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आज के टाइम में तो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा यंग लोगों को भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम देखी जा रही है। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ जो हमारी हार्ट की आर्टरीज होती हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ब्लड फ्लो कम होने के बाद दैट इज़ कन्वर्ट इंटू हार्ट अटैक, जो कि हम आज कल अपनी आंखों के सामने लोगों को होते हुए देख रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है आप फिजिकल एक्टिविटी होना, ऐसी एक्सरसाइजेस करना जिसके अंदर आपका हार्ट बीट इंक्रीज़ हो और आपकी बॉडी से स्वेट आउट हो। वो एक्सरसाइज कुछ भी हो सकती है गाइस, या स्विमिंग हो, स्पोर्ट्स कोई भी हो, रनिंग हो, जॉगिंग हो, साइकिलिंग हो, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाए और आपकी बॉडी स्वेट करे। देखो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये फूड्स को चमत्कार नहीं करेंगे, इन फूड्स के साथ साथ आपको डाइट फॉलो करनी है और एक्सरसाइज अपनी रूटीन में ऐड करनी है। फिर बात आती है जो मैं आपको फूड्स बताने वाला हूँ, ये सबसे पहले आपको ऐड करना है अपनी डाइट में ओट्स। ओट्स हाई इन फाइबर होता है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। कोलेस्ट्रॉल होता है दो तरीके का, LDL कोलेस्ट्रॉल और HDL कोलेस्ट्रॉल। LDL कोलेस्ट्रॉल होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, जो हमारी ब्लड में पहले कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जब वो एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो हमारी आर्टरीज में भी जमने लगता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है। ये चीज़ रूप ले लेती है एक हार्ट अटैक का, जो हम अपनी आँखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में ओट्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, हाई इन फाइबर है, बहुत ही ज़्यादा हेल्थी है, न्यूट्रिशियस है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। दूसरी यहाँ पे चीज़ है ओमेगा थ्री आपको मिलता है फिश से, बट मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा आप ओमेगा थ्री कंज्यूम करें सप्लीमेंट के थ्रू। सप्लीमेंट के थ्रू अगर आप ओमेगा थ्री कंज्यूम करते हैं तो आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ओमेगा थ्री मिलती है, जो कि फिश ऑयल होता है। फिश ऑयल क्या करता है गाइस, जो गुड फैटी एसिड होते हैं ये हमारे LDL को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है ओमेगा थ्री। जो लोग ओमेगा थ्री फिश ऑयल के थ्रू कंज्यूम नहीं कर सकते, वेजिटेरियन लोगों के लिए मेरा एक सप्लीमेंट है, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और आप लोग फ्लैक्स सीड्स भी कंज्यूम कर सकते हैं ओमेगा थ्री के लिए। थर्ड फूड मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, गार्लिक। मॉर्निंग में खाली पेट गार्लिक के 2-3 किलो आप ले सकते हैं। दिस विल हेल्प यू टू कंट्रोल योर कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में गार्लिक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। खाली पेट सबसे पहले मॉर्निंग में उठे वार्म वाटर के साथ आपको 1-2 इसके जो क्लोव होते हैं वो ले सकते हैं गार्लिक के, च्यू करके ले सकते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज च्यू करने के बाद थोड़ा सा टेस्ट इसका टेस्ट हर किसी को अच्छा नहीं लगता, तो आप डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हैं। तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ओट्स, सेकेंड इज़ ओमेगा थ्री फिश ऑयल, थर्ड इज़ गार्लिक कंज्यूम कर सकते हैं। फोर्थ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप बेरीज ऐड कर सकते हैं या फिर एवोकाडो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एवोकाडो में फाइबर होता है, रिच इन फाइबर है, और बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। ब्लूबेरीज भी आप ले सकते हैं, बट दे आर थोड़ा लिटिल एक्सपेंसिव है ये चीज़ें, बेरीज एंड एवोकाडो। यहाँ पे मैंने एक ऑप्शनल दे दिया है, ये आप ले सकते हैं, अगर इफ़ यू हैव अ बजट टू बाय दीज एवोकाडो एंड बेरीज यू कैन गो विद इट, अदरवाइज बाकी के ऑप्शन मैंने आपको बताया उन्हें भी ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे गाइस, आप अपनी देखो कोई भी आप फूड खा रहे हो, कोई भी कंज्यूम अपना नॉर्मल घर का बना हुआ खाना खा रहे हो, तो उस खाने में आपको डेफिनेटली आपका जो मेजर रोल है वो है ऑयल का, किस ऑयल में वो खाना बना है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
टू कंट्रोल योर कोलेस्ट्रॉल यू शुड एड ऑलिव ऑयल इन योर डाइट इन योर कुकिंग। अपने किचन में ऑलिव ऑयल का यूज़ करें गाइस, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रिकमेंड करता हूँ जीवो कंपनी का ये ऑलिव ऑयल है, विच इज़ बजट में है काफ़ी ज़्यादा और लोग इजीली बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा लिटिल एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू रिफाइंड ऑयल के, बट आपको ऑलिव ऑयल ऐड करना मस्ट है। गाइज आई होप ये चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं आप इन्हें इस वीडियो को देखने के बाद ये सब चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करेंगे। इफ़ यू वांट टू कंट्रोल योर कोलेस्ट्रॉल, इन चीज़ों को ऐड करने से पहले आपको अपनी डाइट इम्प्रूव करनी है। ऑयली चीज़, फ्राइड चीज़ नहीं खानी है, रेड मीट बंद कर देना है, ये सब चीज़ें आपको बंद कर देनी है। देन आपको मिनिमम हाफ एन आवर के आपको एक्सरसाइज अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करनी है, जिसमें आपका स्वेटिंग आए, आपका हार्ट ज़्यादा बीट करे, पंप करे, जिसकी वजह से आपको स्वेटिंग आएगी, दैट विल हेल्प यू टू कंट्रोल। उसके बाद ये जो मैंने फूड्स बताए हैं, ओट्स, फिश ऑयल, लहसुन खा सकते हैं, गार्लिक, एवोकाडो एंड बेरीज, एंड फिफ्थ है इस ऑलिव ऑयल, ये सब चीज़ें इसके बाद काम करेंगी। पहले आपको अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव करनी है। गाइस हमारे इस चैनल का पर्पस है आप लोगों तक जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मालूम है वो पास आउट करना, सही से सही जानकारी आप लोगों को देना। कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।